बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं आ रखा था करोल बाग में और जैसे कि आप देख सकते हो भाई साथ में हमारे रोहित भाई, काफी टाइम बाद भाई से मुलाकात हो रही है। तो भाई क्या दिखाने वाले रोहित भाई? स्कॉर्पियो में पावर विंडो लगा रहे हैं। स्कॉर्पियो में पावर विंडो लगा रहे हैं, बाकी और भी सीसी लगा रहे हैं। कौन सी? क्लासिक या जो हमने सीसी वीडियो डाली थी अच्छा प्यार था उसका दिखाने। ओके, तो स्कॉर्पियो क्लासिक में भाई ने आज पावर विंडो लगाई और बहुत सारे काम करवाए, वो धीरे धीरे मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, और कितने रुपए का खर्चा आया इसके अंदर वो वीडियो के एंड में पता चलेगा। और ये जितना भी माल इसके अंदर लगा है, जितने भी प्रोडक्ट इसके अंदर लगे हैं भाई, वो जेन्युइन एसेसरी है। ओके, तो महिंद्रा जेन्युइन एसेसरी इसके अंदर लगी है। तो भाई चलते हैं गाड़ी के पास और वहीं मैं आपको दिखाता हूँ एक एक स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या क्या लगा है। तो भाई ये है स्कॉर्पियो क्लासिक। भाई कौन सा वेरियंट है? 2024 का ही है ना न्यू? अभी 2024 का बेस मॉडल, जैसा कि आप पहचान आप यहाँ से देख सकते हो, बेस मॉडल में मैट आता है। हाँ, बेस मॉडल में इसके अलावा कुछ नहीं आता। जैसे गाड़ी आपकी हेडलाइट ये रहता है इसके अंदर। हाँ, ये आपकी पूरी मैट रहती है। हाँ, हाँ, आगे फॉग लाइट आता है ना, ग्रीन आता है ना, आपका DRL आता है। बिल्कुल कुछ भी नहीं आता बेस मॉडल में। तो अभी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं भाई इसमें क्या क्या हुआ। पहले फ्रंट से बता दो यार। आपको बता रहा हूँ, मैंने इसमें टॉप मॉडल वाले ग्रिल का इंस्टॉलेशन कर दिया। ओके, पूरी फ्रंट से टॉप मॉडल वाली लुक आ रही है पूरी। हाँ हाँ, हमने इसमें फॉग लाइट का इंस्टॉलेशन कर दिया है। ये ओरिजिनल जेन्युइन ही है? महिंद्रा जेन्युइन है, आपको चेक करा दूंगा। DL का भी ऑप्शन आता है इसमें, बट जिन्हें लगवाया है इनका बजट निकल, भैया ने कुछ नाम है रुकवा दिए कि बाद में कराएंगे। जो टॉप टॉप मॉडल S11 में आता है उसमें DRL आता है। चलो भाई, हमने टॉप मॉडल वाली ग्रिल इसमें इंस्टॉलेशन कर दी, फॉग लाइट लगा दी। ठीक है, नेक्स्ट लगाएंगे। हां हां, इसका हमने साइड फेसेस में अवेलेबल डाल दिया S11 वाले। तो भाई S11 वाले अलॉय व्हील चेक आउट करो आप। ये देखो भाई महिंद्रा का, इसमें आपको लोगो भी देखने को मिलेगा सेंटर में, और बाकी महिंद्रा के S11 के ही अलॉय व्हील से ये। तो भाई ये जो अलॉय व्हील्स हैं ये कितने के पड़ते हैं अपने को? ये अलॉय व्हील आप अगर बेस टू टॉप कराते हो तो 22,000 का देता हूँ आपको। 22,000 रुपए के? गाड़ी आप पूरी जैसे S3 ला के टॉप मॉडल S11 बनवाते हो, बेस मॉडल ला के, हाँ, तो मैं आपको अलॉय व्हील 22,000 के अंदर दूंगा। 22,000 रुपए के चारों बेस टू टॉप कराओ, चारों 22,000 के अंदर दूंगा फिट करके। अच्छा, थार वाले लोगों तो 18,000 में दूंगा। तो ये जेन्युइन होते हैं? महिंद्रा जेन्युइन है, सब कुछ चेक कर लो कैसी बात। नहीं, मतलब न्यू होते हैं या फिर सेकंड हैंड होते हैं? 10-15 दिन चले हुए होते हैं। जैसे कि किसी ने टॉप मॉडल ली, उसको चलाना नहीं, इसने उतार दिया, उसने आफ्टर मार्केट लगा ली, तो फिर हमारे पास ही आती है। ओके, जेन्युइन तो आपका 60,000 का आता है। समझ गया, जेन्युइन होता, सॉरी, ब्रांड न्यू लोगों को 60,000 का, मतलब वही है 5-10 दिन चले हुए यूज होते हैं। कल की 15 मिनट चलाओ शोरूम से निकलते ही लोग चेंज करवाए, पर होते स्क्रैचलेस है। स्क्रैचलेस है, बिल्कुल। एक एक चीज चेक कर लो ना। चलो भाई बहुत बढ़िया। अभी उसके बाद अगर बात करें तो इधर साइड प्रोफाइल में, हाँ, साइड प्रोफाइल हमारा पेंट का इसमें काम है। हाँ हाँ, जो कि भैया ने करवाया नहीं, वो कह रहा मैं कंपनी से ही कराऊंगा। अच्छा, पहले आप एक बात बताओ, बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि स्कॉर्पियो में जो पेंट का क्या क्या काम होता है। स्कॉर्पियो में पेंट का काम होता है फ्रंट का बम्पर और जितने भी प्लास्टिक के पार्ट मैट आते हैं ना कंपनी से, हाँ, साइड स्लाइडिंग जो होती है, हाँ, सारे ही पियानो होता है उसका, ये भी आपका उसके साथ ही आता है। अच्छा, डोर हैंडल भी ये होता है, ये जो मैट है, बिल्कुल। अच्छा, हम जो काम कस्टमर को करके दे रहे हैं 15,000 के अंदर करके दे रहे पेंट पूरा, जिसमें कि आपका आगे का स्किड प्लेट, पूरा बम्पर, साइड की पूरी क्लाइडिंग और ये आउटर हैंडल, ये सारा ही आपका उसके अंदर आ रहा है 15,000 में। आपको बिल्कुल बॉडी वाला पेंट करके देते हैं। बढ़िया, जो मैं आपको इसमें भैया ने नहीं कराया, बाकी और भी वीडियो अपने उसमें आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। चलो, और बाकी भाई ये लगा हुआ आया था इसमें या फिर आपने लगाया है? साइड फुट इसमें कंपनी वाला लगा हुआ है, ये वाला लगवा सकते हो इसमें। S2 आ जाता है बिल्कुल कैप के साथ, कैप के साथ, हाँ, बड़ी आती है, फोर लाइन वाली आती है। तो ये कंपनी से लगवाया भैया? ये कंपनी का लगा हुआ, कम साथ में देती है। इसका कॉस्ट क्या पड़ता है सर? इसका कॉस्ट हम लगाते नहीं बाहर, मतलब हम जो हम लगाते हैं वो अपना 7,000 का पड़ता है, जो टॉप मॉडल वाला होता है S2S, बिल्कुल आगे से लेके पीछे तक कैप के साथ। बाकी अपना हमने इसमें रूफ रेल की इंस्टॉलेशन कर दी है। चलो भाई एक बार आप रूफ रेल्स की ना टेस्टिंग करके दिखा दो यार। अच्छा, पहले एक बार रुको, एक मिनट भाई, पहले ये बता दो ये पेस्टिंग वाला है या फिर नट बोल्ट वाला? चेक करवा रहा हूँ ये देखो। अच्छा, खड़े होकर दिखाओ ना यार, खड़े होकर दिखाओ ना। खड़ा हूँ। नहीं, ऊपर चढ़ के दिखाओ भाई। चढ़ जाता हूँ। ये लो भाई, भाई टेस्ट कर लो आप, अगर पेस्टिंग वाली तो गाड़ी आपके हाथ में आ जाती है। तो मतलब ये नट बोल्ट वाला है? नट बोल्ट वाला। बाकी से हमने स्पॉइलर लगाना था, बट भैया ने लगवाया नहीं, भैया ने कहा मैं साथ में सारा कुछ इकट्ठा लगवाऊंगा जब पेंट हो जाएगी गाड़ी। ओके, हमने टाइटनिंग अंदर डाल दिया इसमें स्पॉइलर। अच्छा, तो ये मतलब अभी पेंट होगा बाद में? नहीं, पेंटेड है, भैया ने कहा जब सारा ही पेंट कराऊंगा उसका लगाऊंगा, मैं एक ही कलर करा के लगाऊंगा, एक ही कलर करके। हाँ, क्योंकि फिर कलर का डिफरेंस हो सकता है ना बाहर, तब कंपनी वाले क्या करा के देंगे, हम तो कंपनी का पेंटेड स्पॉइलर दे दिया इनको, तो फिर फर्क आया इसके चक्कर में भैया ने करा। बाकी हमने 7D मैट की इंस्टॉलेशन कर दी है। 7D के? हाँ जी, 7D मैट आपने डाला इसके अंदर, पूरा डिक्की तक डलता है अपना। चलो भाई बहुत बढ़िया, स्पॉइलर लगेगा पेंट होने के बाद? स्पॉइलर लगेगा, पेंट होने भैया खुद लगाएंगे। ठीक है, कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ कर दी है, ये देख लो भाई, कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ पर है। S11 में भी तो यही होती है? हाँ बिल्कुल, पैसे लगाने में कंपनी देती नहीं, हम लगाते हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो जिसके लिए लोग S3 को लेके आते हैं कि भैया हमें टॉप मॉडल बनवाना है, जो टॉप मॉडल का पूरा लुक देती है वो देती है ये। ओके, तो भाई ये इसके गत्ते चेंज हो रखे हैं, ये S11 वाले छत के ऊपर रखे। ये देखो भाई पुराने वाला मैं आपको दिखा देता हूँ उतार के, ये भाई इस टाइप का आता है, ऐसे आते हैं, यहाँ पे हैंडल लगा होता है। हाँ, ये ऐसे होता है बेस मॉडल, मतलब
कोई मतलब नहीं बनता इसका। महिंद्रा को देना चाहिए पावर विंडो साथ में, कम से कम पावर विंडो तो देना ही चाहिए, वो भी नहीं दे रही। तो हमने ये निकाल के ये लगा दिया, बिल्कुल टॉप मॉडल वाला, टॉप मॉडल वाला। और ये बिल्कुल पियानो फिनिश के साथ है, ये ब्लैक है। स्विच भी सारा हमने चेंज करके दे दिया, ग्रिप हैंडल सारा ही बॉडी होल्डर के साथ, इनर हैंडल सब कुछ लगा के देते हैं। और इसके अंदर पावर विंडो यहाँ पर आ गए हैं, पावर विंडो वर्किंग है, बिल्कुल वर्किंग में भाई। जो बेस मॉडल आप लेते हैं उसका आपका सेंटर में आता है। अब इसमें हमने चारों दरवाजे में पर्सनल दे दिया कि भैया अपने हिसाब से कर सकते हैं। पीछे वाले बंदों को आगे ड्राइवर को बोलना पड़े भैया नीचे करो, भैया ऊपर करो, ये चीजें नहीं रहेगी। तो ये चारों में ही है। एक बार मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ, चारों पावर विंडो इसमें हो चुकी है भाई। ये देखो, ये मैट लगा हुआ है, अब यहाँ से देखो आप, दिख रहा है ना? हाँ, तो भाई चारों पावर विंडो है और ये वेलकम प्लेट भी लगी हुई है भाई। स्कॉर्पियो आपको दिखेगा इसमें व्हाइट कलर में। चलो भाई और चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर आप देखो इसमें, तो ये साइड मिरर आपने नहीं करे एडजस्ट? साइड मिरर एडजस्ट वाले ऐसे आते हैं, अगर आप स्विच वाले चाहते हो तो आपका स्विच वाले लग जाएंगे, साइड मिरर चेंज होकर इसमें इंडिकेटर भी आ जाता है और ड्राइवर साइड में आपका स्विच आ जाता है, ड्राइवर साइड में नीचे की तरफ। हाँ, आप करा सकते हो, उसका MRP आपको 8,500 रहने। तो भैया ने करवाया नहीं है? हाँ भैया ने करवाया। अच्छा, ये पावर विंडो का असेंबली जो आपने डाली है जेन्युइन, ये कितने की है भैया? मैंने बता दिया, बेस टू टॉप जो वही कराता है, एस ला के बोलता हूँ भैया S11 बना दो। उसके रेट आप कह रहे हैं 22,000 रुपए के, 22,000 में आपका पावर विंडो सेट करके दे, चारों सेट के, चारों के लैच वायरिंग सब कुछ के अंदर, उसके अलग से कोई पैसे नहीं देंगे, कोई पैसे नहीं। बेस टू टॉप आप मेरे से करवाते हो उसका आपको 22,000 रुपए देना, 22,000 रुपए देना। चलते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर देखते के साथ ही आपको एक चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही होगी, वो है भाई इसकी सीटें। अभी सीटों के बारे में पूछते हैं रोहित भाई, जरा सीटों के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे। देखो जैसे कि आप नॉर्मल गाड़ी स्कॉर्पियो आप अगर चला रहे हो, स्कॉर्पियो लवर हो, तो फिर आप उसमें आपको बताओगे कैसे बैठते हैं उसमें। हाँ जी बिल्कुल भाई, नहीं आता आपको। और इसमें हमने देखो टॉप मॉडल वाली लुक दे दी, जिसमें आमेश लगा दिया हमने, इसमें आप बैठते हो लगता है कि हाँ सेठ जी की तरह बैठे हैं, ऐसे नहीं कि झुके पड़े हैं, ऐसे आराम से एक हाथ से ड्राइव कर सकते हैं। मैं बैठ चुका हूँ भाई गाड़ी की सीट पे। अभी आप देख सकते हो भाई जो मेरा सिटिंग पोस्चर है ना वो ऐसे है, मतलब मेरा ये जो हैंड है ना वो आराम से कंफर्टेबल होकर बैठा हुआ हूँ। अभी बात करते हैं लेफ्ट साइड से, तो देखो लेफ्ट साइड में भी ना आर्मरेस्ट दिया हुआ है। अभी ये जो हमने न्यू चेंज किया हुआ है ना, इसमें भी ना भाई आप आराम से आप यहाँ पर हैंड रख सकते हैं, और राइट हैंड तो भाई आपका इस पे टिकेगा ही। तो मतलब ये है कि अगर आप दोनों तरफ से अपने हैंड रख रहे हैं ना तो आराम से कंफर्टेबली आप बैठ सकते हैं। अभी बात करते हैं आगे की तरफ बढ़ते भाई, ये हमारा बीच का जो कंसोल है इसमें कुछ चेंज हुआ है? बिल्कुल चेंज हुआ है। आप जब बेस मॉडल देखोगे इसमें आपको कप होल्डर नहीं आता, यहाँ सारे स्विच आते हैं, चारों स्विच। हाँ जी हाँ जी, यहाँ आपके ड्राइवर के हैंड में ही सारा होता है। हमने हाँ, यहाँ से निकाल के हमने यहाँ लगा दिया। ओके, ये चेंज हुआ है भाई। देखो विद चाइल्ड लॉक, ये देखो अगर आप यहाँ से देखो तो पीछे वाले सीट से वर्क कर रहे हैं। हाँ हाँ, और मैं यहाँ से चाइल्ड लॉक लगा दूंगा। ठीक है, तो अब नहीं करेगा, अब काम करेगा, सब कुछ वर्किंग में है, सब कुछ चारों विंडो आपके सीटों वर्किंग। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो अभी आपने जैसे कि देखा इसमें जो है हमारे दो कप होल्डर मिल जाते हैं, अपना आराम से ग्लास या बोतल आप रख सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ तो कुछ यार खास चेंज हुआ नहीं है, बाकी तो नॉर्मल अपना वही मिलता है, लगता है एंड्रॉइड लग जाता है, इसमें कोई खास चेंजिंग नहीं है। बिल्कुल, जो चेंजिंग है हमने इस पावर विंडो लगाया है इसमें। अगर आप टॉप मॉडल वाला लगवाना चाहते हो इसमें ये पेंट आपका हो जाता है पूरा, पियानो फिनिश में आता है या स्पार्कल में ले लो, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, मॉडल मिल जाते हैं, सारे लग जाते हैं। बाकी इसमें हमने लगा दिया है स्टीयरिंग कंट्रोल, जैसे कि आप देखो बेस मॉडल में नहीं आता, इसमें देखो आप लाइट चल रहा है। ओके, माउंटेड बटन लगा रखे हैं आपने। इसमें आपका स्टीयरिंग कंट्रोल चालू होता है, क्रूज कंट्रोल आपका डमी के लिए होता है, चालू नहीं होता। वैसे चालू हो सकता है? नहीं हो सकता, टॉप मॉडल कंपनी से निकलती है उसी में चालू होगा, वैसे नहीं होता है। अच्छा, वैसे नहीं हो सकता, वैसे जैसे मारुति में नहीं होता वैसे इसमें भी नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। ओके, भैया का कुछ लिमिटेड काम था इसके लिए, हमने जितना इन्होंने बोला उतना ही काम करा, ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा ही काम कराना है तो ही। बाकी इसमें आप चाहो तो मीटर भी लगवा सकते हो। अच्छा, S11 वाला, ये आपका बेस मॉडल का मीटर है, अगर आप चाहो तो S11 वाला मीटर लगवा सकते हो, जो कि आपका रहता है बिल्कुल ही 8,000 रुपए। 8,000 रुपए का मात्र? हाँ, बेस्ट टॉप जो भाई कराएंगे उनके लिए बहुत सारे ऑफर है। ओके, जो बंदा बेस्ट टॉप हमारे को कराता है वो 2500 में आपको ग्रिल दे रहे हैं, 1800 में फॉग लाइट दे रहे हैं, DRL आपको हम 8,000 के अंदर दे रहे हैं, मीटर आपको हम 8,000 में दे रहे हैं, स्टीयरिंग कंट्रोल ले लो आप 5500 रुपए का, साइड फुटर आपको 6-7 हजार के अंदर दे देंगे, और बताइए साइड मीटर आपको दे रहे 8,500 के अंदर, आमिर आपको दे रहा हूँ 5,000 के अंदर, बहुत बढ़िया भाई, फिर आपको दे रहा हूँ 5500 रुपए का। अलॉय व्हील ले लो, सबसे मेन तो 22,000 रुपए का अलॉय व्हील टॉप मॉडल का दे रहा हूँ। और भाई स्क्रैचलेस अलॉय व्हील्स हैं यार, मैंने देखा, चेक करा के लगा कितना सा भी कहीं से लगा आप, मतलब फ्रेश पीस लगाओ। ओके, बाकी अगर आप थार वाले अलॉय व्हील लगवा दो तो 18,000 के पड़ते हैं, कोई भी टायर पड़ेंगे अगर गाड़ी आपकी 500 किलोमीटर के अंदर चली है, बिल्कुल ज्यादा चली है तो फिर उसके लिए टायर में अगर कोई कमी है तो उसके आपको पे करने पड़ेंगे। बिल्कुल, बाकी आप चाहो तो इसमें सनग्लास होल्डर का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो आप लगवा सकते हो यहाँ पे, कटिंग करके लग जाता है, मतलब ये कटिंग हो जाती है, यहाँ से कटिंग हो जाती है सनग्लास होल्डर की, ओरिजिनल S11 वाले। बिल्कुल, बाकी आप यहाँ पे AC वाले क्रोम वाले जो आते हैं वाले पूरे चेंज, ये निकल के पूरे चेंज होते हैं, पूरे चेंज होते हैं, तो चारों के चेंज होते हैं ना वो, तो हाँ चारों ही पूरा डैशबोर्ड निकल के चेंज होता है, उसको ज्यादा मेरे को तो बेनिफिट लगा नहीं। अच्छा, बाकी कैमरे की क्वालिटी आपको चेक करवाया था, लो भाई बैक कैमरे की क्वालिटी आप चेक कर लो, जो हमने भी मैंने आपको दिखाया था। ओके भाई, भाई खड़े हुए यहाँ पर, ये देखो ठीक है ना, वो भी दिख रहे हैं, स्कूटी भी खड़ी है दोनों की दोनों,
ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन आते हैं ना वैसे, AHD और CCD। जो हिसाब कैमरा की क्वालिटी, जितना आपका जैसा बजट है वैसा काम करो। तो भाई ने भी नॉर्मल लगवाया इसके अंदर, बिल्कुल है ना। हाँ जी, एंड्रॉइड आपने लगाया, किस ने लगाया? ओके, कौन सी कंपनी का रहने वाला है भाई? ये रहता है एडिशन कंपनी का, जो हम लगाते हैं एडिशन कंपनी का। ओके, 2GB 32 है या फिर 4 32 है? 4 32 है, 4 32। चलो भाई, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती इसमें। और इसमें कंपोनेंट कुछ लगाया आपने? आगे हमने प्राइमस के कंपोनेंट लगाए हैं। ये देख लो भाई, प्राइमस का ये ट्यूटर लगा हुआ है यहाँ पर, बाकी अंदर तो खोल के मैं दिखा नहीं सकता आपको अभी। बाकी प्राइमस 70 मैट की इंस्टॉलेशन करी है हमने इसमें। और बाकी भाई 70 मैट्स, ये देख लो पीछे आपने बूट का देख लिया था, ये नीचे भाई अपना वही है। और बाकी 7D के मैट ये लगे हैं पूरे के पूरे भाई, चारों ओर से दिखा देता हूँ मैं आपको, पीछे भी देख लो भाई आप, ठीक है। तो गाइज, आई थिंक अभी जो स्कॉर्पियो क्लासिक बेस मॉडल में जितना भी काम हुआ है वो सारा का सारा रोहित भाई ने आपको डिटेल से बताया है। भाई आपको एक एक चीज इसमें जो है ना, एक एक आइटम्स के रेट बता दिए रोहित भाई ने, और वो सारा काम यहाँ पर हो जाएगा भाई अपना रियांश कार डेकोरेशन पे, आप देख सकते हो। बाकी फोन नंबर भी राइट साइड में दिख रहा है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं और स्क्रीन पे भी भाई का नंबर दिख रहा होगा। अब एट दी एंड बात कर लेते हैं रोहित भाई, इसमें खर्चा कितना आया भाई? इसमें खर्चा भैया ने जितना काम कराया इसका पड़ा था 70,000 रुपए का खर्चा। Only 70,000। भैया ने पेंट नहीं कराया, सीट कवर्स लगवाया, दरवाजों में एमेंट लगते, मतलब थोड़ा कुछ और काम बढ़ेगा उसका बजट बढ़ जाता है। बाकी अगर आप पूरा ही बेस्ट टॉप कराते हो तो आपका बजट आता है 1,30,000, 1,50,000 और 2,00,000। ये 3 पार्ट में काम करता हूँ मैं। Okay. जिसका बजट नहीं उसके लिए अच्छा, मतलब पहले पूरा बेस से टॉप करा रहा बंदा ऐसे लेवल टॉप तो आप करा रहा, तो 1,50,000 से 1,80,000 के आसपास आता है, मतलब 2 पेटी के अंदर अंदर काम पूरा जाएगा, टॉप बन जाती है, पूरी टॉप बन जाएगी। कुछ लोग 3-3 लाख भी लगाए, हम तो 1 से 1.5 के अंदर कर देते हैं, कर देते हैं। बाकी अब हाई एंड आपको अपने हिसाब से लगवाना, तो इसकी चीज पूरा पेंट वेंट करके बढ़िया करके वो सारा कुछ रहता है आपका 1-80। और इसके हेडलैम्प तो अपनी बेस मॉडल वाले, हेडलैम्प बेस मॉडल वाले अगर आप चाहिए तो उसमें LED डलवा सकते हो, जो कि अपना 4,500-4,000 से स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको टॉप मॉडल वाले हेडलाइट चाहिए तो वही आपको 15,000, जो प्रोजेक्टर वाले आते हैं वो 15,000 मिल जाएंगे आपको, 15,000 के टॉप एंड वाले, MRP उसकी 18,000 की। ठीक है जी। जैसे कि अभी आपने देखा रोहित भाई ने हर एक आइटम की डिटेल से भाई हर एक चीज के प्राइस के बारे में बताया है, जितना इस गाड़ी में काम हो पाया था उतना ही रोहित भाई ने बताया है, और उसके अलावा जो काम हो सकता है उसका भी रोहित भाई ने प्राइस बता दिया है। रोहित भाई का नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, जब मर्जी यहाँ पर आ सकते हो और अपनी गाड़ी बेस टू टॉप अपना S5 से S11 बनवा सकते हो, जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप काम करवा सकते हो यहाँ पर। ऐसा तो नहीं भाई बेस टू टॉप ही करोगे? नहीं नहीं, जैसा आपका काम है वैसा कर देंगे, जो आपकी डिमांड है ऐसा जरूरी थोड़ी ना बेस टू टॉप ही करेंगे। अगर बंदा 5 या 6 आइटम लगवाने आ रहा है तो भी हो जाएगा काम, वो भी हो जाएगा ना, कोई मना ही नहीं है काम पूरा। तो ये मत सोचना कि बेस टू टॉप ही करते हैं रोहित भाई, मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज भी अपना स्कॉर्पियो क्लासिक हो या स्कॉर्पियो एन हो, वो भाई दोनों को ही अप टू डेट कर रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया स्नग फिट काम हुआ है हर एक चीज तरीके से। तो बस गाइज यही था इस वीडियो के अंदर, वीडियो कैसी लगी प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करना। जिन भाई के पास भी स्कॉर्पियो क्लासिक है वो अपना गाड़ी मॉडिफाई कराना चाहते हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय कर दो भाई, चलो बाय बाय, अच्छा भाई आ जाना भाई, ठीक है, बाय बाय जी, आ जाना भाई, ठीक है।